हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में और बहुत सी अदर टॉपिक्स के बारे में। आज का ये जो हमारा वीडियो होगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बेस्ड होगा। जीएसटी में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर जीएसटी में, जिसका कि हम अपने इस वीडियो में और आने वाले और वीडियोस में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स जो कि हैं इनपुट, व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हु कैन क्लेम ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका शॉर्ट फॉर्म, व्हाट कैन बी क्लेम्ड एज ITC, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिकंसिलेशन ऑफ ITC, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग ITC, स्पेशल केसेस ऑफ ITC, ITC और कैपिटल गुड्स, ITC ऑन जॉब वर्क, ITC प्रोवाइडेड बाय द इनपुट टैक्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ITC ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ITC से रिलेटेड है, जिसे कि हम कुछ इस वीडियो में कुछ आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट एंड पे दी बैलेंस अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इनपुट क्रेडिट मीन्स आपके पास कुछ पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। आपके पास एक टैक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बिजनेस है ट्रेडिंग का, स्टील बार, मान लीजिए स्टील आयरन, आपके पास टाटा स्टील की जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आप टाटा स्टील आयरन जो है वो बेचते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो जब आपने वो टाटा आयरन परचेस किया, परचेस के वक्त मान लीजिए आपने 1,000 रुपये टैक्स पे किया एज अ इनपुट टैक्स, परचेज के वक्त जो आप टैक्स पे करते हो, तो अभी आपके पास 1,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। मींस आप 1,000 रुपये टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो, आपने दे दिया। अब बारी आई आपकी सेल करने की। जब आपने उसे सेल किया, तब आपने उसे प्रॉफिट पर सेल किया। ऑब्वियसली सभी लोग प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, तो आपने उसे 1200 या जितने का भी लिया था, मान लीजिए आपने उसे 15,000 में लिया था, 15,000 पर, जिसमें कि उसमें आपने 1,000 रुपया इनपुट टैक्स दिया था, तभी आपने उसे प्रॉफिट पर बेचा। तो जब आपने उसे बेचा तो उस पर आपने आउटपुट टैक्स, यानी कि जो सेल पर आपने टैक्स कलेक्ट किया, वो 1,200 रुपये था। तो अभी आपको क्या गवर्नमेंट को 1,200 रुपये टैक्स जमा करना पड़ेगा, या 1,000 रुपये टैक्स जमा करना पड़ेगा, या 200 रुपये? कितना टैक्स जमा करवाना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के पास? ये लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। तो इसका आंसर है 200 रुपीज़। क्योंकि जब आपने परचेस किया तब आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो 1,000 रुपये,
और जब आपने सेल की तब आपने 1200 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, यानी कि कुल मिलाकर आपकी गवर्नमेंट को टैक्स देने की लायबिलिटी बनती थी 1200 रुपीज़, जिसमें कि आप 1000 रुपये ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो। और अब आपकी कितनी टैक्स पे करने की ड्यूटी बाकी है, लायबिलिटी बाकी है 200 रुपीज़ की। तो अभी आपको 1200 माइनस 1000 200 रुपीज़ गवर्नमेंट को जो है वो पे करने हैं। तो वही अमाउंट जो है आप गवर्नमेंट को जो है पे करोगे, डिपॉजिट करवाओगे। इसे ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीन्स जो आप 1000 रुपये ऑलरेडी दे चुके हो उसका क्रेडिट लेना। वो 1000 रुपये जो आप नहीं अब जमा करवाओगे वो बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपके क्रेडिट में ऑलरेडी टैक्स पड़ा हुआ है जिसका कि आपने यूटिलाइजेशन किया अपनी टैक्स लाइबिलिटी को उतारने के लिए। 1000 रुपये आपने वो यूज़ किए, 200 आपने पेमेंट की, ये हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको, व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर यू पे टैक्सेस ऑन द परचेज, ऑन सेलिंग यू कलेक्ट द टैक्स, यू एडजस्ट द टैक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स एंड बैलेंस लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज हैज़ टू बी पे टू द गवर्नमेंट। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के द्वारा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट इज ₹800, टैक्स पेड ऑन इनपुट यानी कि परचेज इज 500, यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹500 एंड यू ओनली नीड टू डिपॉजिट ₹300 इन टैक्सेस। ये हमारी होगी दूसरी एग्जाम्पल। ठीक, हु कैन क्लेम ITC, यानी कि कौन वो लोग हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ITC क्लेम करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन ITC क्लेम कर सकता है और कौन नहीं। अगर आप एलिजिबल हो ITC क्लेम करने के लिए तभी आप ITC क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ITC कैन बी क्लेम्ड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, और कोई भी जो है ITC क्लेम नहीं कर सकता। ओनली इफ़ ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब, और GST में रजिस्टर्ड पर्सन भी तभी क्लेम कर सकता है अगर वो नीचे लिखी, मतलब कि जो हम आपको बताएंगे वो जो कंडीशंस है वो फुलफिल करेगा, जिसमें से कि पहली है द डीलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, मींस जब आपको अगर ITC क्लेम करना है तो जिस इनवॉइस पर आप या जो आप ITC अमाउंट क्लेम करना चाहते हो उस अमाउंट का टैक्स आपने गवर्नमेंट को, मतलब जिस वक्त आपने परचेस किया था उस वक्त आपको देना ज़रूरी था। उसका प्रूफ क्या होगा? उसका प्रूफ होगा वो GST इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस जो आपका, जिससे आपने माल परचेस किया है वो आपको काट कर देगा, वो उसका प्रूफ होगा, सबूत होगा जो कि आपकी पोजीशन में होना चाहिए। अगर वो आपकी पोजीशन में नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, इवन इफ आपने दिया हो GST बट आप क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास GST इनवॉइस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो द डीलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस यानी कि GST इनवॉइस, द सेट गुड सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि जो इनवॉइस पर गुड्स या सर्विस मेंशन की गई हैं वो आपने रिसीव कर ली हों, ये नहीं कि रिसीव करनी है या करेंगे, वो कर ली हैं तभी आप क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड, यानी कि GST रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है ITC क्लेम करने के लिए, बिना रिटर्न फाइल किए आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। द टैक्सेस चार्ज हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, यानी कि जिससे आपने माल परचेस किया है, सप्लायर जिससे आप माल परचेस करते हो उसने गवर्नमेंट को टैक्स जो है जमा करवा दिया हो, उसने पे कर दिया हो, तभी वो आपके, आपको मालूम है ये सभी ऑनलाइन सिस्टम में, जब वो जमा करवाएगा तब आपके GST पोर्टल जो है आपका, जिस जो आपका बना हुआ उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। सो सप्लायर को आपके नाम से जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो डिपॉजिट करवाना ज़रूरी है ताकि वो आपके पोर्टल पर शो हो, तभी आप उसका क्लेम कर सकते हो। इसके लिए अगर आप जब क्लेम करने वाले हों ITC और आपके पोर्टल पर शो नहीं हो रहा तो
तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अपने सप्लायर से कि डिपॉजिट करवाए ताकि आप उसका ITC क्लेम कर सको। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स ITC कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन द लास्ट लॉट इज रिसीव्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम लॉट्स में सामान लेते हैं, मतलब पहले एक लॉट आ गया, फिर दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, मतलब लॉट्स में बारी बारी से अगर हम लॉट्स में कोई भी गुड्स रिसीव करते हैं, तब जब तक कि हमें लास्ट लॉट ना रिसीव हो जाए तब तक हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। ओनली लास्ट लॉट के रिसीव होने के बाद ही हम जो ITC क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई गुड्स मंगाई 5 लॉट्स में मंगाई, तो जब 5th लॉट आपके पास आ जाएगा उसके बाद ही आप ITC क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये 5 कंडीशंस पूरी करनी ज़रूरी है ITC क्लेम करने के लिए। नाउ हु कैन नॉट क्लेम ITC? नो ITC विल बी अलाउड इफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ अ कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स मींस जिसको कि हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिस पर कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, AC, कार, मोटरसाइकिल, जो कि सब बिजनेस में यूज़ होता है, जिन्हें कि हम कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अगर आप इस पर ITC क्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन फिर क्लेम नहीं कर सकते। नो ITC विल बी अलाउड इफ़ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड। अगर तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली तो कोई ITC नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम की, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते उन गुड्स पर, तब ITC आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेकेंड, अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम इन GST कैन नॉट क्लेम ITC। यानी कि जो पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम में अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो ITC क्लेम नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम पर हम ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुके हैं, लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कंपोजिशन क्या होता है, क्यों है, कैसे लगेगी, क्या रीजन है इसके, तो आपको पता चल जाएगा। और उसमें रीज़न भी बताया गया है कि क्यों नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम वाले GST क्लेम। सो GST वाले जो कंपोजिशन स्कीम में GST में है वो जो है ITC क्लेम नहीं कर सकते। वट कैन बी क्लेम्ड एज ITC? ITC कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस। यानी कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही हम ITC जो है क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। ओनली गुड्स और थिंग्स विच आर यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस कैन बी क्लेम्ड एज ITC, उन्हीं पर ITC क्लेम किया जा सकता है। ITC विल नॉट बी अवेलेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर पर्सनल यूज। यानी कि आपने पर्सनल को यूज़ की, आप गई मार्केट में, आपने कोई चीज़ ली, मान लीजिए कार ली, और आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में नहीं यूज़ कर रहे हो, उस पर ITC क्लेम नहीं किया जा सकता। एग्जम्प्टेड सप्लाइज क्या होती है? एग्जम्प्टेड सप्लाइज ऑन विच गवर्नमेंट गिवन नोटिफिकेशन एंड बाय अ स्पेशल नोटिफिकेशन दे आर नॉट चार्ज टू टैक्स। मीन्स वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पर कि GST नहीं अप्लीकेबल होगा, जिनका कि नोटिफिकेशन निकाल कर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में ये बताया है कि हम इन गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स GST चार्ज नहीं करेंगे अभी के लिए, तो उन गुड्स पर जिन पर टैक्स ही नहीं लगा तो उन पर आप इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी नोटिफाई की हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका कि वीडियो में आपको हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी आप हमारी चेक कर सकते हैं किन पर दिया है गवर्नमेंट ने, कौन सी जो सर्विसेज हैं जिस पर हम नहीं क्लेम कर सकते ITC। सप्लाईज फॉर विच ITC इज स्पेसिफिकली नॉट अवेलेबल, जिस पर कि स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि इस पर ITC नहीं मिलेगा, उस पर भी आप जो है ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो ये तो थे हमारे आज के टॉपिक्स। कितने टॉपिक कवर किए आज हमने? हमने आज कवर किए व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट 1, हु कैन क्लेम ITC 2, हु कैन नॉट क्लेम ITC 3 एंड व्हाट कैन वी क्लेम ITC 4। आने वाले वीडियोस में हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर करेंगे, जैसे कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिकंसिलिएशन ऑफ ITC वगैरह वगैरह, जो सभी टॉपिक दिए गए हैं वो उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ही GST से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।